साथियों, कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है, गरीब की जेब साफ, काम हाफ और करना उससे भी हाफ, यानी कांग्रेस विकास का काम नहीं करती, लेकिन नागरिकों की जेब जरूर साफ कर देती है। जबकि भाजपा सरकार की पूरी कोशिश आपका खर्च कम से कम करने की है। आज जो हर गरीब को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है, वो भी गरीब की बहुत बड़ी मदद है। जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी है, और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के शासनकाल में तो गांव और गरीब के लिए इलाज संभव ही नहीं था। आज देखिए, सिवनी में भी मेडिकल कॉलेज बन गया, सिवनी जिले में आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुके हैं, और सरकार ने तो इसका नाम वेलनेस सेंटर रखा, हेल्थ एंड वेलनेस से, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग देखा, उसकी ताकत देखी, उससे लोगों का नाता जुड़ गया। और आजकल मैं जहां जाता हूं वहां लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये तो हमारे गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया है। ऐसी सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं बहनों को हो रहा है। साथियों, आपको दवाइयों पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े, आपकी जेब से ज्यादा पैसा ना जाए, इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है। भाजपा ने करीब 10,000 जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों पर 80% डिस्काउंट दिया जाता है। ये दिवाली के दिन है, आपने देखा होगा साड़ी की दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट लगाते हैं ना, बहता है मैंने, ये डिस्काउंट चलता है ना। ये दिवाली आती है तो व्यापारी डिस्काउंट करते हैं। ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां की दुकानें ऐसी बना रहा है, जन औषधि केंद्र ऐसे बना रहा है जहां 80% तक डिस्काउंट दिया जाता है, ताकि गरीब को दवाई सस्ती मिले। आप सोचिए, इतना डिस्काउंट और किसी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा। दवाइयों पर 80% डिस्काउंट देकर भाजपा ने गरीबों के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी जेब के अंदर बचाए हैं। 25,000 करोड़ रुपए